गुजरात ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर रोजित गाम ने लीधी मुलाकात। मृतक ना परिवार जनों ने आपी सांत्वना। उत्तर गुजरात ना कदावर नेता अने ठाकुर समाज ना अग्रणी ओबीसी अग्रणी अल्पेश ठाकुर द्वारा बोटाद जिला ना लठ्ठकांद संदर्भे पीड़ित परिवारों ने मुलाकात लेवा माटे रोजित गामे आव्या हता। अंदाजित 10 जेटला परिवार ना मोभियो आ लठ्ठकांद नो भोग बन्या होय त्यारे परिवारजनों ने मुलाकात लई सांत्वना पाठवामां आवी हती। अल्पेश ठाकुर द्वारा मीडिया समक्ष जणावामां आव्युं के लोकोनी सुखाकारी माटे परिवारजनोनी सुरक्षा माटे पण आ देशी दारूने बनतो वेचतो अटकाववो जोईए अने कायदानी कडक अमलवारी થવી જોઈએ। गुजरात सरकारे कायदो तो कडक बनाव्यो छे परंतु तेनी अमलवारी केटली कडक छे ते पण एक सवाल छे। गुजरात में फरी लठ्ठकांड नो घटना सामे आवी छे। रोजित गामना सरपंचे दारूना वेचाण बंद करावा पुलिस स्टेशन में जाते जईने फरियाद आपी हती, जेनी नकल डीएसपी अने गृहमंत्री ने पण मोकली हती। शा माटे कार्यवाही करवामां न आवी? शुं दारूना अड्डाओ सरकारना आशीर्वाद छे? पुलिसना हप्ताओ छे? भाजपना मिलीपीपणा छे? भाजपनो पण हप्तोमय सामेल छे? આવા અનેક સવાલો ગ્રામજનો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ તેનો હજુ સુધી જવાબ મળ્યો નથી। સરકાર દ્વારા એસઆઈટીની રચના કરી દેવામાં આવી છે અને તપાસનો દોર ચક્ર ગતિમાન કરી લેવામાં આવ્યો છે અને 5 જેટલા આરોપીઓની ઝડપી લેવામાં આવે છે। કુલ 40 જેટલા લોકોના મોત નિપજ્યા છે અને હજુ પણ આંકડો વધવાની શક્યતા સેવાઈ રહી છે।